यूक्रेन से अनाज निर्यात सौदे के तहत अब तक 5,61,000 टन सनफ्लावर ऑयल निर्यात किया जा चुका है, जिसमें से 1,92,000 टन भारत को निर्यात हुआ है। यूक्रेन के बंदरगाहों पर अभी भी 1,99,000 टन सनफ्लावर ऑयल निर्यात के लिए उपलब्ध है। रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात सौदे आगे भी जारी रहने से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई निरंतर बनी रहेगी। फिलहाल भारतीय बाजारों में सनफ्लावर ऑयल की कीमतें ऊंची होने से डिमांड कमजोर बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे इसकी सप्लाई बढ़ेगी कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना है और इसका असर अन्य खाद्य तेलों पर भी देखने को मिल सकता है। और विदेशी बाजारों में मंदी का माहौल के चलते भारतीय बाजारों में भी खाद्य तेलों में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। इंदौर में सोया तेल में उठाव बेहद कमजोर रहने से कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोया तेल इंदौर घटकर 1300 से 1305 जबकि पाम तेल 1000 रुपए प्रति 10 किलो पर दर्ज किया गया। इन दामों पर भी व्यापार काफी कमजोर देखने को मिला। उधर देश भर में सोयाबीन की आवक घटकर 7 लाख बोरी की रह गई, जिसमें से मध्य प्रदेश में आवक 3,25,000 बोरी दर्ज की गई। इसके चलते कुछ प्लांटों ने खरीदी भाव में आंशिक बढ़ोतरी की है, लेकिन प्लांट खरीदी नीचे में 5375 रुपए तो ऊपर में 5700 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं अनाज मंडी छावनी में सोयाबीन बेस्ट 5200 से 5500 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि एवरेज 4800 से 5100 रुपए प्रति क्विंटल बिकता दिखाई दिया गया है। बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि खाद्य तेलों में फिलहाल गिरावट का माहौल बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।